लड़ाई वो लड़ सके इसके लिए अधिकृत एक कानून के माध्यम से इससे किया गया है। मुख्यमंत्रियों ने जहां पे स्वागत किया कांग्रेस अध्यक्षा का और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का और श्री राहुल गांधी जी का, वहीं पर मुख्यमंत्रियों ने यह भी कहा है कि हम इसको जल्दी से जल्दी अपने प्रदेशों के अंदर वापस जाकर के हम इसको लागू करेंगे। धन्यवाद। जल्दी से जल्दी करेंगे। ऐसा है कि इसके ऊपर कोई हमने इसके ऊपर केवी थॉमस साहब के साथ में इस पे विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, इस पे ज्यादा नहीं कहा। नहीं, शी वेलकम्ड एवरीवन, शी स्टार्टेड, शी इनिशिएटेड द मीटिंग। राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं है, वहाँ क्या रणनीति हो गया वो अलग से बात करेंगे। आज तो सिर्फ हम लोगों ने जो आज की मीटिंग है उसमें क्या हुआ उसकी जानकारी आपको दी। जितनी जल्दी से जल्दी, क्योंकि अलग अलग राज्य अलग अलग प्रदेश जो हैं वो अलग अलग प्रिपरेशन की स्थिति में हैं, तो एक साथ नहीं लेकिन बहुत जल्दी अलग अलग राज्य इसको लागू जल्दी से करेंगे। इस पे अभी मैं जो स्कीम के बारे में मैंने जैसे कहा कि हमने पहले मीटिंग लिया है, हमारे जितने भी प्रवक्ता हैं वो सब अलग अलग स्टेट जाकर के वहां पर मीडिया के लोगों को एड्रेस करेंगे, उसके बारे में आज मैं चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन कांग्रेस प्रेसिडेंट के मैसेज जो हैं सारे मुख्यमंत्रियों के लिए यही था कि यह एक ऐसा लेजिस्लेशन है जिससे कि हम जो हमारे देश के अंदर जिन लोगों को सही तरीके से अपने पौष्टिक आहार नहीं मिल सकते हैं, खासतौर के ऊपर बच्चों के लिए, खासतौर के ऊपर महिलाओं के लिए, उन लोगों के लिए लेजिस्लेशन एक लेकर के आया गया है जिसको जल्दी से जल्दी हम सब लोगों को अपने अपने राज्यों के अंदर उसको लागू करना चाहिए। क्या कांग्रेस पार्टी फूड सेक्रेटरी को 2014 में अपना सबसे बड़ा ट्रंप कार्ड के रूप में यूज करने जाती है और दूसरा जो मोदी फैसले बन रहा है क्या उसी कार्ड के लिए आप लोग फूड सेक्रेटरी को? मैंने इसके बारे में पहले जवाब दिया ही है, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ, इसको मैंने बार बार ये बोला है। अभी आप सुन रहे थे कांग्रेस महासचिव अजय माकन को, जिन्होंने फूड सिक्योरिटी बिल पर हुई तमाम मुख्यमंत्रियों की बैठक के बाद जानकारी दी कि किस तरीके से आगे बढ़कर कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में फूड सिक्योरिटी को लागू करेंगे।